ट्रेन में बैठे हुए थे, एक स्टेशन आया और वो आदमी किस तरह कहता था, रोटी को दे 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 रोटी को बरकातहू। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पे सलामत रखे, और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको अपनी जुबान में रखे और हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है मालियत पर मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्किप ना करें। मौसम अच्छा, हवा चल रही है, तो आज बेटी कह रही थी थोड़ी सी आउटिंग हम करके आते हैं शहर की, यानी कि किसी पार्क में हम जाते हैं। तो पार्क के लिए हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, हम इसके लिए हमने जो थोड़ी सी तैयारी की है, खाना हमने वही जाके खाना है। तो ये थोड़ी सी, ये तो देखे, ये मैंने ये बिरयानी सिंधी बनाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम वहाँ लेके जाने लगे हैं। बेटियाँ हैं सारी, तो ये हम लेके जाने लगे हैं। और उसके बाद ये कोई बेडशीट वगैरह है, ये प्लेटें वगैरह है, बर्तन है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। चलें ना, प्यारा व्यू है। पार्क में आ चुकी हूँ, ये देखिए सामान असर की अजाने हो रही है, इतना खूबसूरत वेदर है, ये देखिए तो बैकग्राउंड आपके पीछे फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप थोड़ा सा साथ ले लो। माशाल्लाह देखिए वेदर कितना खूबसूरत है, कितना ज़बरदस्त है। आज तो वाकई हमारा निकलना जो है ना बड़ा बड़ा सही रहा है। सुबह की तो धूप निकली हुई थी, लेकिन मैंने कहा चले शायद शाम को कुछ मौसम चेंज हो जाए, तो लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। कभी लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। ये आ गए, उधर जाना है तो अभी चली जाओ, देखो चलते हैं ना, जाना करिए। देखे मामा के पीछे कौवे, देखे मामा बोटल्स जी कॉक निकालते हैं। और ये देखें, और लाइक अब हम यहाँ वेदर इंजॉय करेंगे और खूब चिल करेंगे। वाओ चिल, ये देखें हम पानी भी लेकर आए हैं, बारिश का पानी, बारिश का पानी है हर तरफ। ये जो बारिश हुई है, दही भल्ले निकालें, हाँ जी छोटा मोटा सामान है। तो अब हम फैमिली दोपहर का खाना था, इसलिए भूख लग रही है मेरी फैमिली। वाओ, एक पहले एक डब्बा ही खोलिएगा मामा। हाँ पहले एक डब्बा ही खोलेंगे, डालो स्टेप बाय स्टेप, हमें और जरूरत पड़ी तो दूसरा ओपन करेंगे। वाओ हम खा रहे हैं, ये देखें, ये हम बहुत भूखे आए हैं, बहुत ज्यादा। ये देखें सम
मामा का ग्लास, मामा का अपना ग्लास और ये डिस्पोजिबल ग्लास स्वीट क्रीम का जो कि उस दिन हमने शेक पिया था। स्वीट क्रीम का व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी की ग्रीनरी। ये जी मैं खाने लगी हूँ, डाल के दूँ। ये मैं डिस्पोजेबल ग्लास लेके आए हैं जिसमें हम फैंटा पी रहे हैं। मामा लुक एट मी, मामा 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 भी चादर बिछ गई है। वो देखे कितना प्यारा सूरज लग रहा है मामा। हाँ तो वही देखी ना, देखी कितना प्यारा। अच्छा एक की भी बेडशीट हमारे जैसी। अभी हमें ये देखे ना मामा, ये बताए कितना जबरदस्त सूरज निकला हुआ माशाल्लाह। और इस मौसम में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा बहुत प्यारा लग रहा है ये सीन ना। मैंने खा नहीं लगा, खाने नहीं लगे। तो मामा हम पार्क में करने ही आए हैं खाना एंजॉयमेंट। बताए बारिश का हमने देखा कि अब बारिश होने वाली है, हमने स्पीडों से खाना खाया और इतनी स्पीड से खोला ना कि आप उसी स्पीड से देखे हमने पैक भी कर लिया। मामा तो हम पार्क में करने के आए हैं, ये इंजॉयमेंट करने आए हैं, जस्ट चिल और सारा कुछ खा के मुका के जा रहे हैं। और ये बादल भी हैं, हवा भी चल रही है और धूप भी है। और देखें सारे ये देखें वेदर, नहीं प्यारी हवा चल रही है। ये देखें देखें ये दरख्त कितने प्यारी हवा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कि पीछे टिकटॉक बना रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, जबरदस्त। चले मुझे चीटूस खोल के दें मामा, एक हाथ खाली नहीं, खाली नहीं है मेरा चीटूस। सो कमाल इज अ ब्रांड बट इस टाइम वेदर इज सो कमाल। एलो खा लो ना चीटूस बाइट्स, एलो खा लो ना। अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं ना तो जो ट्रेन की जो विंडो में से अगर आप कोई चीज खरीदते हैं ना, वो जो मजा है ना वो है। वो पीछे टिकटॉक बना रहे हैं। जब ये छोटी छोटी थी ना तो हम ट्रेन में बैठे हुए थे, एक स्टेशन आया और वो आदमी किस तरह कहता था, रोटी कोड़े रोटी कोड़े रोटी कोड़े रोटी कोड़े रोटी कोड़े रोटी कोड़े रोटी कोड़े। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये क्या कह रहा है, तो वो क्योंकि आते जाते रहते थे, उनका तो सफ़र ही 20 दिन का ट्रेन में होता था, तो उन्होंने बताया ये कह रहा है रोटी और पकोड़े। रोटी और पकोड़े क्या तो निकला जी, कौन लगाए निकला क्या रोटी पकोड़े। ट्रेन में बैठ के होता था ना तो जब ट्रेन चल पड़ती थी तो पता चलता था कि ये तो पकोड़े भुसे हुए। चलें जी हमें किसने पकड़ना था इस वेदर में, माँ जी की बातें इंजॉय करें और सब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी अब हम करने लगे हैं मैंगो पार्टी। ये देखें माँ जी हमें यहाँ पर काट के दे रही हैं। मुझे तो यहाँ भी कोई जान बख्शी नहीं है, तो मैंगो पार्टी कर रहे हैं हम। ये लो ये चम्मच के साथ ही। ये देखें जी मैंगो पार्टी। चलें जी हमने मैंगो पार्टी शुरू कर दी है। शेक है ना इसमें डाल दीजिए तुम्हारी मेहरबानी। बहुत जोर की लगे आया, ये आया। जब हम बचपन में थे ना तो ये कौवा, ये देखिए ये मुँह में रोटी का टुकड़ा लेके मामा। ये देखिए मामा ये कौवा देखिए रोटी का टुकड़ा ले ओ गिरा दिया उसने। ये आया हड्डी माँ जी की गाड़ी आ गई, माँ जी की गाड़ी आ गई, माँ जी की गाड़ी आ गई। वो अच्छे जा रहे हैं, वो इतना रश हो गया है और बड़ा मज़ा आ रहा है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं पार्क के अंदर। इस वेदर को इंजॉय करें आप भी और मिस ना करें इस वेदर को। ये
हेलो, अब यहाँ से कैसे जाओगी? नहीं आएगा वो बच, वो देखें ये कहोगे पीछे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये है, ये कब आ गई, ये ले खा लेना, मैं दही भल्ले खा रही हूँ। मामा आपने नहीं खाने? बहुत प्यारा व्यू हो गया है, ज़बरदस्त व्यू है, नहीं हवा चल रही है, और ये देखें रात शाम हो रही है। देखिए शाम का टाइम हो रहा है तो काफ़ी कुछ है, तो फिर हम निकलते हैं, बस अब जाने वाले हैं। मेरा ख्याल है आज आप जो तो घर में हैं तो उन्होंने आज अपना बहुत नुकसान किया है ना निकल के बाहर, तो आज तो मेरे जैसी माँ जी भी निकल आई हैं बाहर, तो जो आज निकले हैं बाहर तो उन्होंने खूब इंजॉय किया है, और इतना प्यारा मौसम आज मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो अपने वैसे ब्लॉग के लिए मैंने कहा चले हम आज ब्लॉग इधर बनाते हैं, तो अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया कि बहुत अच्छा है। दूसरे शहरों का तो पता नहीं रही, तो लाहौर का तो हमें पता है ना मौसम का, तो मुझे गाँव में याद रखिए, मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, इसी तरह इन्जॉय करते रहें और वीडियोस बनाते रहें। तो मेरी तरफ़ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम अलैकुम।